तो so, क्या आप जानते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है और हमने बचपन में सुना होगा मेमोरी कार्ड मेमोरी कार्ड तो वो क्या कौन सी मेमोरी होती है या रैम कौन सी मेमोरी होती है रैम में जैसे डी डी आर वन डीडीआर टू ये सारी डिटेल्स में फिर कहते हैं एच डी आर रैम तो कहते हैं डी डी आर रैम फिर बात करते हैं कि डायनेमिक रैम तो स्टैटिक रैम तो क्या है ये सारी जितनी भी मेमोरी है सारी डिटेल से आज हम चर्चा करेंगे और किसी भी कंप्यूटर के एग्जाम में जो गवर्नमेंट जॉब के कंपिटेटिव एग्जाम में लो लेवल ट्रिपल सी पीजीडी है जितने भी क्वेश्चंस कंप्यूटर मेमोरी से अगर आएगा तो आपको इस वीडियो में मिलेगा आप पूरे यूट्यूब में चले जाएंगे एक साथ कंप्यूटर मेमोरी में इतने डिटेल से वीडियो कोई नहीं बना सकता इसकी मेरी गारंटी है तो शुरू करते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है कंप्यूटर मेमोरी हमारी जो होती है वह दो प्रकार की होती है फर्स्ट मेमोरी प्राइमरी होती है और सेकेंड मेमोरी हमारी सेकेंडरी होती है तो पहली मेमोरी को प्राइमरी और सेकेंडरी को सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे प्राइमरी मेमोरी के ही अंतर्गत रैम और रोम प्रकार की मेमोरी आती है रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है रैम जो हमारी मेमोरी होती है वह दो प्रकार से होती है एस रैम और डी रैम एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैम होता है और डी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक रैम होता है और डायनेमिक रैम के अंदर भी कुछ रैम आती हैं वो हम अभी आपको बाद में क्लियर करते हैं पहले हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी मतलब जैसे मैग्नेटिक जो हार्ड मेमोरी होती है जैसे कि हमारी हार्ड ड्राइव हो गई हार्ड डिस्क हो गई फ्लॉपी डिस्क हो गई और अब नए जमाने में एस एस डी हार्डिक्स भी आने लगी हैं तो वो मैग्नेटिक नहीं होती हैं नॉन मैग्नेटिक होती हैं हार्डिक्स की ही तरीके होती हैं वो एस एस डी होती हैं ठीक है हार्डिक्स जो हमारी होती है वो भी तीन प्रकार की होती है पहली हमारी मैग्नेटिक हार्डिक्स होती है दूसरी हमारी एस एस डी हार्डिक्स होती है और तीसरी हमारी एन वी एम ई हार्डिक्स होती है वो भी एस एस डी हार्डिक्स होती है तो हार्डिक्स लिए होती है स्टोरेज के लिए होती है उसके बाद में फ्लैश मेमोरी होती है फ्लैश मेमोरी हमारी पेन ड्राइव आती है और एस कार्ड आता है एस कार्ड वही जिसको हम गांवों में या शहरों में इसको मेमोरी कार्ड कहते हैं मेमोरी कार्ड है मोबाइल की मेमोरी कार्ड कुछ जगह इसको चिप भी बोला जाता है तो वो मेमोरी कार्ड होता है लेकिन वो मेमोरी कार्ड सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है ऑप्टिकल होती है जैसे सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क और तो ये डीवीडी होती है तो इस तरह के जो स्टोरेज वाली डिवाइसें हैं जिनमें हम डाटा स्थायी रूप से स्टोरेज कर सकते हैं वह मेमोरी हमारी कौन सी होती है सेकेंडरी मेमोरी होती है और प्राइमरी मेमोरी तो इसके बारे में भी हम डिटेल से नेक्स्ट पेज में जानेंगे तो अब हम जान लेते हैं प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की मतलब कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है पहली प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी जैसे कि पहले मैंने बताया था इसको मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी या टेम्परे मेमोरी भी कहते हैं किसको प्राइमरी मेमोरी को और प्राइमरी मेमोरी होती कौन है रैम और रोम अभी पहले ही बताया तो फिर से देख लीजिए कंप्यूटर के अंतर्गत इसका कार ओनली वर्किंग टाइम होता है यानी कंप्यूटर जब ऑन होगा तभी इस इस पर डाटा आएगा और जैसे ही पावर चला जाएगा कट ऑफ हो जाएगा तो इसका डाटा चला जाएगा यानी डिलीट हो जाएगा यूजलेस हो जाएगा अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर इसका डाटा भी डिलीट हो जाएगा तो जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करेंगे तो हमारा कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ऑन होंगे और जो सॉफ्टवेयर लोड होंगे वो प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाएंगे और जैसे ही कंप्यूटर बंद होंगे तो सॉफ्टवेयर भी बंद हो जाएंगे तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएंगे तो हमारी मेमोरी का डाटा डिलीट हो जाएगा उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी आती है डाटा को कंप्यूटर में स्थायी रूप से परमानेंटली रूप से स्टोर करने का काम करती है अर्थात कंप्यूटर बंद होने के बाद में भी इसका डाटा डिलीट नहीं जैसे पेन ड्राइव में कोई भी डाटा रख दोगे तो उसमें हमेशा रखा रहेगा वो स्टोरेज डिवाइस है ठीक है इस मेमोरी को डाटा डाटा सेव करने के लिए करते ताकि सब प्रयोग किया तो भाई कंप्यूटर में हम कोई भी डाटा या फाइल कुछ भी सेव जब करते हैं कोई भी डिजाइन बनाते हैं वीडियो सेव करते हैं तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में जाता है और जब कम देख रहे होते हैं उस डाटा को तब वो रैम में होता है तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं अगर अभी भी आपको समझ में ना आ रहा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं उसके बाद में अब हम रैम के बारे में जानेंगे जैसे मैंने पहले बताया था तो जो रैम होगी इसका पूरा नाम होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका यूज टाइम ही वर्किंग होता है मैंने पहले ही बताया और जैसे ही पावर पावर सप्लाई रहेगी तो ये वर्क करेगी और पावर ऑफ होगी तो ये बंद हो जाएगी ठीक है इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं अस्थाई मेमोरी है वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है अब रैम दो प्रकार की होती है रैम के अंदर भी दो प्रकार की रैम है पहली कौन सी होती है स्टैटिक रैम और दूसरी कौन सी होती है डायनेमिक रैम हम इसके अंदर भी डिटेल से जानेंगे एस रैम के अंदर भी डिटेल से जानेंगे स्टैटिक रैम और डी रैम से भी अंदर जानेंगे और रैम कैसे काम करती है यह भी हम डिटेल से जानेंगे तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं एस रैम के बारे में जान लेते हैं एस रैम का जैसे मैंने पहले ही बताया कि फुल फॉर्म क्या होता है स्टैटिक रैम और इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है फिक्स्ड वर्ड लेंथ मेमोरी ठीक है एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है यह एक प्रकार की सेमी कंडक्टर मेमोरी है सेमी कंडक्टर अर्धचालक मेमोरी सेमी कंडक्टर की अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको अर्धचालक मेमोरी कहा जाएगा उपयोग माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड जर्नल कंप्यूटर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस में किया जाता है मतलब ये एस रैम आपको अलग से बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है ये जो माइक्रो प्रोसेसर आता है उसके अंदर कैश मेमोरी के रूप में होती है तो कैश मेमोरी जो होती है वह डायनेमिक रैम जो हमारी कंप्यूटर की जो रैम होती है यह इससे फास्ट होती है ठीक है तो जो हमारी रैम होगी नॉर्मल रैम होगी जो वो डायनेमिक रैम होती है और उससे ये फास्ट होती है ये कहां होती है प्रोसेसर के अंदर होती है कैश मेमोरी के बीच में ठीक है और ये वो छोटी मेमोरी में आती है एमबीज में आती है और वो जीबी में आती है आगे हम जब उसको समझेंगे तो और भी अच्छे से जानेंगे ठीक है आगे हम डिटेल्स में जानेंगे ठीक है देखिए एस रैम और डी रैम यानी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम दोनों ही वोला है अस्थिर है यानी कि अस्थिर का मतलब यही है कि जैसे ही डाटा कंप्यूटर ऑन हुए डाटा आएगा और कंप्यूटर बंद होगा तो डाटा चला जाएगा बार बार आपको बताया जा रहा है चीज ठीक है यही बात यहाँ पर लिख दी गई है ठीक है आप देख सकते हैं एस आर एम डेटा को स्थिर रूप से संग्रहित करता है ठीक है अस्थिर रूप से संग्रहित करता है इसका अर्थ है तब तक डेटा रखता है ठीक है पावर है जब तक पावर है तब तक, तक तो रखेगा ठीक है और जैसे पावर अच्छा इसको और समझ लेते हैं जब तक मेमोरी में पावर है ठीक है ये बात हो गई इसके बाद में क्या है इस इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है तो रिफ्रेश करने का मतलब क्या होता है ये हम जब डायनेमिक जानेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे तो बस अभी कितना जान लेते हैं अभी इधर जानेंगे इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है तो रिफ्रेश क्या होता है ये जब हम डायनेमिक रैम पढ़ेंगे आगे अभी इसी वीडियो में तो हम जान लेंगे ठीक है तो अभी इतना समझ लेते हैं इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है इसके परिणाम स्वरूप बेहतर प्रदर्शन और कम बिजली का उपयोग होता है ये बिजली भी कम है भी करती है और प्रदर्शन भी ज़्यादा करती है ठीक है अब हम डायनेमिक रैम के बारे में जानेंगे ठीक है तो डायनेमिक रैम यानी डी रैम देखिए डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर के लिए डेटा और प्रोग्राम कोड संग्रहित करती है ठीक है अब ये प्रोसेसर के बाहर होती है प्रोसेसर के अंदर नहीं होती है एस रैम क्या होती है प्रोसेसर के अंदर होती है और उसे कैश मेमोरी के नाम से हम जानते हैं यह यह कंप्यूटर के बाहर होती है और प्रोसेसर के साथ मिलकर काम करती है ठीक है डी रैम का उपयोग पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप स्मार्टफोन और टैबलेट में किया जाता है जैसे हमारे पास जिस जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके अंदर भी एक रैम लगी हुई है अगर आप कंप्यूटर में देख रहे हैं तो उस कंप्यूटर के अंदर भी यही वाली रैम लगी है और एस रैम कहा लगी है एस रैम जो आपका प्रोसेसर उसके अंदर लगी मैं बार बार वो बातें बता रहा हूं आप समझ लेंगे ठीक है डी रैम का आविष्कार उन्नीस में रॉबर्ट डेनार्ड द्वारा किया गया था और 1970 के दशक में इंटेल द्वारा इसे बाजार में लाया गया 1970 में इंटेल कंपनी पहली बार इसको लाई थी आज बहुत सारी कंपनियां गीगा वाइट है सेमटॉनिक्स है क्रुशल है बहुत सारी हजारों कंपनियां रैम बनाने का काम करती हैं और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि रैम तो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं लेकिन आज भी माइक्रो प्रोसेसर मोस्टली कंप्यूटर के लिए दो ही कंपनियां बनाती हैं मोबाइल के लिए तो कई सारी कंपनियां हैं लेकिन कंप्यूटर uh, के लिए भी मोस्ट uh, जो कंपनी होंगी टॉप कंपनी वो सिर्फ दो हैं इंटेल और एम ठीक है और रैम बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं तो यानी माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी जटिल है रैम के अपेक्षा ठीक है डी रैम एक सेमी कंडक्टर मेमोरी है जो प्रत्येक बिट डाटा को मेमोरी सेल में संग्रहित करती है देखिए डी रैम क्या है एक सेमी कंडक्टर है यानी सिलिकॉन धातु से बनी हुई है ठीक है और एक एक बिट को एक एक ट्रांजिस्टर में संग्रहित किया जाता है उनको हम मेमोरी सेल के नाम से जानते हैं ठीक है कैपेसिटर का कहें ट्रांजिस्टर का है, है बातें की मेमोरी सेल एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर से बना होता है ठीक है अभी बताया जो दोनों मेटल ऑक्साइड कैमी सेमी कंडक्टर एमओ एस तकनीक पर आधारित होते हैं क्योंकि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है जो कैपेसिटर होता है वो बहुत देर में क्या होने लगता है धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगता है यानी लीक करने लगता है ठीक है वही बात है जिसमें उन्हें संग्रहित जानकारी भी खत्म हो सकती है तो डेटा को बनाए रखने के लिए डी रैम को हर कुछ मिली सेकेंड्स में सेकेंड से भी बहुत कम समय में रिफ्रेश करने की आवश्यकता है होती है और कंप्यूटर यह कार्य खुद से करता है आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रैम को या रैम अपने आप को खुद से सेकेंड से भी बहुत कम मिली सेकेंड्स से में ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करती रहती है आप जब रैम लेने जाएंगे आप जब उसका डिटेल्स में जाएंगे तो आप ये पता कर सकते हैं ठीक है अब हम एस रैम और डी रैम की कंपरिजन चेक कर लेते हैं तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एस रैम इज यूजली यूज एल वन और एल थ्री कैश यूनिट इन एस सीपीयू तो जब सीपीयू आप लेने जाओगे तो वहां बताया जाता है कि इसमें कैश मेमोरी कितनी है वो उसके अंदर ही होती है मैंने बताया और डी रैम मेन मेमोरी जो डी रैम है वो हमारी रैम होती है मेन रैम होती है और वो चार जीबी छ जी बी ऐसे करके आठ जी बी करके मिलती है और ये एक एम बी से सोलह एम बी अठारह एम बी तक भी हो सकती है और ये चार जी बी दो जी बी वन जी बी सोलह जीबी बत्तीस जी बी एक सौ अट्ठाईस जीबी तक की भी जो है बत्तीस जीबी तक की भी रैम आती है हमारे बड़े बड़े अगर हैवी कंप्यूटर बत्तीस बत्तीस जी बी भी रैम तो बत्ति लग जाती है अब ये इतनी जरा सी है ये सोलह एम बी चार एम बी पांच एम बी और इससे बहुत महंगी है और ये इतनी चार जी बी आठ जी बी सस्ती है ठीक है ये सस्ती होती है ये महंगी होती है एस रैम क्या है महंगी है और डी रैम सस्ती है और ये बहुत ज़्यादा मिलेगी और ये बहुत कम मिलेगी लेकिन ये फास्ट है बहुत सारी और ये स्लो है इसके कंपेरिजन में ठीक है वही चीज़ है मैंने बार बार, बार बताया कि ये प्रोसेसर के अंदर होती है ठीक है ये मदरबोर्ड के अंदर अदर मदर में लगाई जाती है अंदर नहीं होती है मदरबोर्ड में लगाई जाती है एस रैम इज़ ए फास्टर देन और ये वाली स्लोअर है ठीक है एस रैम हैज सिक्स ट्रांजिस्टर और डी रैम ओनली ए सिंगल ट्रांजिस्टर मतलब कहने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या होता है ब्लॉक बना दिए जाते हैं और एक ब्लॉक के अंदर पांच से छह ट्रांजिस्टर लगा दिए जाते हैं ये कोई ब्लॉक नहीं होता हर एक सिंगल ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर अलग अलग लगा होता है ठीक है एस रैम हैज ए लो डेंसिटी यानी जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये दूर दूर इसमें भाई बहुत कम मेमोरी है इस एक एम बी या सोलह एम बी तो जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं बहुत दूर दूर लगाए जाते हैं लो डेंसिटी होती है इसमें हाईली डेंसिटी होती है डेंस होती है क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाने होते हैं आप समझिए एक ट्रांजिस्टर के अंदर एक बिट आपका डाटा स्टोर हो रहा है और आपका कोई एक जी का अगर सॉफ्टवेयर है अगर एक जी का कोई गेम है तो आप समझिए कि एक आ, जीबी में आपके 124 आपका रहेगा 124 124 एमबी बनेगा और फिर 124 एमबी के अंदर फिर 124 एमबी बनेगा तो ऐसे करके लगभग एक जीबी में कितना सारा बिट बनेगा तो बहुत सारा बिट बनेगा तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर हमें लगाने पड़ेंगे ठीक है पावर एस रैम लोअर पावर कंजम्पशन और ये हाई पावर भाई ज्यादा ट्रांजिस्टर है ज्यादा कैपेसिटर है तो ज्यादा पावर खाएगा ये इसमें बहुत कम कम है ठीक है तो पावर कंजम्पशन भी इसका तो इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं अब हम बात करते हैं रोम की हमने बताया था कि प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन होता है प्राइमरी में रैम और रोम होता है तो रोम में हम क्या जान लेते हैं कि रीड ओनली मेमोरी तो यह रोम क्या होती है कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उसमें कुछ जरूरी मशीन स्तर के कार्य करने होते हैं जिन्हें माइक्रो प्रोग्राम के रूप में सेमीकंडक्टर चिप में स्टोर पहले से ही रहता है ये चिप सिर्फ पढ़े जाते हैं रेड ओनली मेमोरी कहा जाता है यानी जो हमारी रैम होती है वो नहीं है ये रोम है ये अलग है और ये कहाँ होती है मदरबोर्ड के अंदर होती है ठीक है और ये वोला नहीं होती ये नॉन वोला होती है यानी इसकी याददाश्त रहती है कंपनी क्या करती है कि एक बार इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन रहे जैसे बायोस है हमारे मदरबोर्ड के अंदर बायोस होता है बायोस एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है और वह इसी रोम मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है तो जैसे ही आपने कंप्यूटर का पावर बटन दबाया तो बायोस काम करना शुरू करता है बायोस क्या करता है कि वह कंप्यूटर को बताता है कि किस तरह से काम करता है सारा चीजें बायोस के अकॉर्डिंग चलती वो ही बताता है कि कैसे बूट होना है माउस कंप्यूटर के अंदर लग गया कीबोर्ड लग गया सारी चेकिंग करने का काम बायोस करता है हमारा जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है

जो जरूरी जैसे आपके मोबाइल कंप्यूटर हो या मोबाइल हो कि टाइम कभी गड़बड़ नहीं होता है कैलेंडर कभी गड़बड़ नहीं होता है जो भी डे आप पंद्रह दिन कंप्यूटर ना चलाइए फिर भी डेट वही बनी रहती है ना तो इस डेट को भी सेव करने के लिए भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रखा जाएगा ना कंप्यूटर तो आपने बंद कर दिया कोई पावर नहीं दिया कंप्यूटर लिए घूम रहे हो पता लगे मोटरसाइकिल में सी लिए घूम रहे हो अब मान लो आप कह दोगे बैटरी तो लैपटॉप में बैटरी होती है कंप्यूटर में बैटरी नहीं होती फिर भी उसका टाइम डेट ठीक रहता है ना तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक छोटी सी सी बैटरी लगा दी जाती है छोटा सा एक सेल होता है कैलकुलेटर वाला और वह सेल अब सेल से तो कुछ होना नहीं सेल का काम केवल पावर देना है तो वह सेल एक रोम को पावर देता है तो रोम चलता रहता है आपका रोम मेमोरी जो होगा वो ऑन रहती है कंप्यूटर बंद है सारा बंद है लेकिन रोम मेमोरी क्या को सेल से पावर मिलती रहती है और एक घड़ी की तरीके काम करती रहती है आपने जो सेटिंग करी है वो सेटिंग्स बायोस में सुरक्षित रहती हैं अगर बैटरी निकाल दोगे तो सेटिंग गड़बड़ हो जाएगी टाइम गड़बड़ हो जाएगा कभी कभी हमारे कंप्यूटर में कितना भी हम टाइम ठीक कर लें टाइम जब कंप्यूटर ऑन होगा हमने टाइम ठीक कर लिया फिर जैसे कंप्यूटर बंद कर दिया टाइम फिर जब दोबारा ऑन किया तो टाइम फिर खराब हो गया तो वह छोटा सा जो सेल होता है तो उसको हम क्या कर लेते हैं बदल लेते हैं उस सेल का नाम होता है सीएमओ सेल और वो सीएमओ सेल रोम को पावर देने का काम करता है जिसे डेट और टाइम और बायो सारा सुरक्षित रहे तो आप जान गए होंगे रोम का काम क्या होता है रोम केवल और केवल कंप्यूटर में या मदरबोर्ड में लिखा भी है यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि छोटे छोटे माइक्रो प्रोग्राम इसमें स्टोर रहते हैं ठीक है और बिजली या पावर जाने के बाद में भी इन चिप्स की इंफॉर्मेशन उसी की वैसी रहती है ये नॉन वोला टाइल है वोला टाइल नहीं वोला टाइल का, का मतलब अस्थिर नॉन वोला टाइल का मतलब स्थिर ठीक है ये तीन प्रकार के आते हैं ये भी आप पढ़ लीजिए पी रोम प्रोग्राम प्रोग्रामेबल रोम इनमें डाटा स्थायी रूप से स्टोर होता है जिसमें बाद में परिवर्तन एक बार कंपनी ने अगर कर दिया पी रोम है सस्ते बनते हैं फिर ये पी रोम हो गया फिर ये हो गया तो आप इसको पढ़ सकते हैं आप पढ़ लेंगे ठीक है तो कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित ये वीडियो हमने बनाया था आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी इसका जो है टिक कर लीजिए ऑन कर लीजिए जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालेंगे तो आपको पहले से पता चल जाए और देख लें मेरा आ, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि YouTube से पैसे कमाए जाएं। मेरा उद्देश्य यही है कि छात्रों को फायदा हो सके तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर एक भी बच्चा हमारे इस ट्यूटोरियल से पास हो रहा है तो हम समझेंगे हमारी मेहनत सफल हुई और ट्रिपल सी का सिलेबस के लेके हम अभी थ्रो शुरू से लेके सिलेबस के, के अकॉर्डिंग एक से लेके कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से लेके सारे वीडियोस बनाएंगे आप धैर्य रखिए और आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे आप केवल यूट्यूब हमारे चैनल को देख के ट्रिपल सी ठीक ठाक पास हो जाएंगे ए ग्रेड तो नहीं आएगा लेकिन ठीक ठाक पास हो जाएंगे खाली यूट्यूब देखने से तो ए ग्रेड नहीं आएगा हम झूठ नहीं बोलेंगे आपको उसके लिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा लेकिन हाँ अगर आप पहले कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जा चुके हैं पढ़ चुके हैं और आप पास नहीं हो रहे हैं तो आप इस चैनल देख के जरूर पास हो जाएंगे एक ग्रेड भी आ सकता है तो ठीक है धन्यवाद